नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड ये या जो AMC कंपनियां हैं उनों का भविष्य कैसे रहने वाला है या उनों की ग्रोथ फ्यूचर में कैसे रहेगी, हम इन शेयरों के अंदर निवेश करें या ना करें, या लॉन्ग टर्म में हमको कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मार्केट में मेरे हिसाब से दो लिस्टेड कंपनियां हैं, AMC कंपनियां, एक हो गई HDFC AMC और दूसरी है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन कंपनियों का ग्रोथ या फ्यूचर कैसे रहने वाली है। अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर शायद 5 से 10% लोग ही होंगे जो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, धीरे धीरे लोग जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, लोग जो FD में पैसे कराते हैं वहाँ से दूर हटके धीरे धीरे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते जाएंगे। इसका सीधा जागता उदाहरण भी बताएंगे हम आपको कि लोग कितनी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने के लिए, क्योंकि अधिकतर यंग लोग हैं वो हाई रिस्क ले रहे हैं हाई रिटर्न के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, MP एक संस्था है, उसके अगर आंकड़ों की बात करें दोस्तों हम, तो उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि FY 2019-20 मतलब ये जो वित्तीय सत्र चल रहा है इसके अंदर शुरू के 6 महीने मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक, शुरू के 6 महीनों के अंदर म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू 49,000 करोड़ रुपए अभी तक निवेश हो चुका है। अगर हम इसको पिछली साल FY 2019 की तुलना में अगर हम बात करें, पिछले साल की तुलना में बात करें, तो पिछले साल के अंदर से ये 11% अधिक है। मतलब ये जो 49,000 करोड़ रुपए जो आए हैं हमें SIP के थ्रू, वो पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। एक मिनट, अगर हम दोस्तों अगर हम पिछले साल की तुलना में बात करें, तो पिछले साल के अंदर जो शुरू के छः माह के अंदर अगर हम SIP के पैसों की बात करें तो वो थे 44,487 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था पिछले साल के शुरू के 6 महीनों में। ये तो दोस्तों इस साल के आपने देख लिए। अगर हम कुछ पिछले कुछ सालों की बात करें कि पिछले 2-3 सालों के अंदर SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में कितने रुपये निवेश हुआ है, तो इससे आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल पता चल जाएगा कि इन कंपनियों की ग्रोथ कैसे रहने वाली है। तो अगर हम बात करें दोस्तों FIs 18 और 19 के अंदर की बात करें, तो म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के थ्रू 92,700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ठीक है दोस्तों, अच्छा निवेश है। अगर हम उससे पिछले साल FIs 17 और 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो FIs 17 और 18 के अंदर 67,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अगर हम ये देखें कि 17 से लेके 18 मतलब अगले साल के अंदर आप सीधा सीधा लगा लें 87 लगभग 25,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा निवेश हुआ है पिछले साल में। अगर हम बात करें 16 और 17 की, तो लगभग 44,000 करोड़ रुपये मतलब 43,900 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, किस शानदार ग्रोथ से पैसे लोग आ रहे हैं। अब देखिए कि जो AMC कंपनियां हैं उनको कितना बड़ा बेनिफिट होगा इससे अंदर, मतलब FY 16-17 के अंदर जो 44,000 करोड़ रुपये SIP के थ्रू आए थे म्यूचुअल फंड में, वो 3 साल बाद लगभग डबल हो गए। मतलब FY 18-19 में 92,700 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के थ्रू आ चुके हैं, मतलब 3 साल के अंदर पैसे डबल SIP के माध्यम से आए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है, कितने 5-6% लोग ही तो अभी तक म्यूचुअल फंड के माध्यम से आए हैं। अभी तो इतने बड़ा इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री है, अगर 15-20-25% लोग भी आ जाएंगे इसके अंदर, तो इन कंपनियों की कितनी शानदार ग्रोथ रहने वाली है। 3 साल के अंदर डबल पैसे मार्केट में आ गए और सीधा सीधा फ़ायदा इन AMC कंपनियों को होगा। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, HDFC AMC ने पिछले 1 साल के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करें तो 120% का रिटर्न दिया है, मतलब दुगने से ज़्यादा हो गया है। और जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, उसने भी पिछले 1 साल के अंदर लगभग 80% का रिटर्न दिया है। तो अगर फ्यूचर देखें दोस्तों, तो इन कंपनियों में ज़रूर निवेश करना चाहिए। लोग म्यूचुअल फंड के अंदर जितना ज़्यादा निवेश करेंगे AMC कंपनियों को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, फिर एक बार आपको आंकड़े बताता हूँ। देखिए FY 16-17 के अंदर 43,900 करोड़ रुपए का
SIF के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ है। 17-18 की बात करें दोस्तों तो 67,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है, और 18-19 की बात करें तो 92,700 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। और अगर हम FY 19-20 की बात करें दोस्तों तो शुरू के 6 महीने में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश तो हो चुका है। और अब देखो दोस्तों मार्केट अच्छी बढ़त दिखा रहा है, अच्छी तेज़ी आएगी, मार्केट जितना ज़्यादा बढ़ेगा जितनी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगी लोग उतने ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करेंगे। तो ये आंकड़े शानदार हैं दोस्तों, आपके सामने आंकड़े पिछले 3 साल के बता चुके हैं, और आप लोगों को AMC कंपनियों के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर निवेश करना चाहिए। चाहे अगर हम बात करें कौन सी बेस्ट कंपनी है तो मेरे हिसाब से HDFC AMC अच्छी कंपनी है, रिलायंस निपोन की बेटर में HDFC AMC अच्छी है, इसके ऊपर हमने पहले भी डिटेल वाला वीडियो बना रखा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों एक बार फिर ज़रूर आप इन AMC कंपनियों पर नज़र ज़रूर रखें, इन्हों के तिमाही रिजल्ट हमेशा देखते रहें, और जो SIP के थ्रू माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं इन्हों पे भी आप अपनी रिसर्च करते रहें, जिससे आपको थोड़ा अच्छा ज्ञान मिलता रहे। और इन कंपनियों में निवेश करने का कोई भी मौका, अगर कोई भी गिरावट आती है तो इस मौके को बिल्कुल ना चूके, निवेश करना चाहिए। और दोस्तों 1-2 साल के लिए निवेश ना करो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। अगर आपको वेल्थ बनानी है, बड़े पैसे बनाने हैं दोस्तों, तो AMC कंपनियों के अंदर लंबे समय के लिए निवेश करो। अगर मैं डिस्क्लेमर दूं दोस्तों तो HDFC AMC के मेरे पास 50 शेयर हैं, लगभग 2600 के रेट के आसपास के मेरे पास 50 शेयर हैं, ये मेरा डिस्क्लेमर है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, और दोस्तों अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।